हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज देखिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे पकोड़े। तो ये मैंने बेसन ले लिया है, इसमें डाल दिया है जीरा, अजवाइन, हींग, और ये देखिए ये बड़ा वाला जीरा और ले लेती हूँ मैं, ये डाल देती हूँ। और आज हम लोग बनाएंगे बैंगन, आलू और प्याज के पकोड़े। और ये देखिए अजवाइन भी मैंने डाल दी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और न्यू है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये हम अब बेसन में नमक ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। अगर आपको जल्दी पल्दी कोई आया हुआ है और अगर कुछ जल्दी बना करके खिलाना है तो जल्दी से बनाइए पकौड़े। और ये आधे चम्मच बना रही हूँ, डाल रही हूँ इसमें मैं लाल मिर्च। इसके बाद डालेंगे अब हम इसमें हल्दी। तो ये देखिए आधा से थोड़ा ज़्यादा मैंने हल्दी डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। जिस भी तरीके का आपके पास गरम मसाला हो वो आप यूज़ कर सकती हैं इसमें। तो इसको डाल लेते हैं हम। और अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट। देखिए मैंने पेस्ट बना करके इसको इस तरीके से बनाया है पेस्ट कि इसमें लम्स ना रहे हैं। और देखिए इतना थिक हमको चाहिए इसकी थिकनेस। और इसको 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं, तब तक हम कट कर लेते हैं बैंगन, आलू और प्याज। और ये देखिए मैंने इस साइज़ के बैंगन लिए हैं और आलू मैंने पहले से चिप्स की तरह काट करके रख लिया है। और अब हम काटेंगे बैंगन। तो ये बैंगन देखिए मैं कुछ इस तरीके से काट लूँगी। और ये बैंगन को जो है हमें लास्ट में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये जल्दी काले हो जाते हैं। और बैंगन हमारे काट लेते हैं हम, उसके बाद मिलते हैं। देखिए मैंने आलू और बैंगन के चिप्स के जैसे काट लिए हैं। ये देखिए बैंगन को कट कर लिया है। और ये प्याज मैंने वो वाली काटी है जो उगने वाली होती है तो हरी हरी सी दिख रही है। और इसके बाद मैंने आलू के जो चिप्स हैं पहले से बना करके रख लिए थे और एक घान अब मैं डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया है। बैंगन को पकड़ना है और इसमें डुबाना है और इसके बाद जो है ऑयल में डाल देना है। ऑयल को थोड़ा सा हमको मीडियम ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे तभी ये बैंगन और आलू जो है अंदर से पकेंगे वरना कच्चे निकलेंगे। तो देखिए कितने अच्छे एकदम पक कर के निकल रहे हैं, मतलब एकदम फूले फूले से बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे बनेंगे ये। और निकाल के मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। जल्दी पल्दी कोई आ जाए मेहमान वगैरह या फिर शाम को 4 बजे चाय के साथ में लेने के लिए, बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। आप बैंगन, आलू जो भी आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ का बना सकती हैं। तो ये देखिए हमारे पकौड़े जो हैं बन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गए। आप देख रहे होंगे कितने प्यारे तरीके से फूले हुए हैं एकदम। और मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, काफ़ी गर्म है ये, फिर भी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि रियली में ये फूले हुए से बने हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा पकौड़ा बना हुआ है, ये बैंगन का है। और ये देखिए कितना अच्छा और टेस्टी है। ठंडी के मौसम में इस तरीके के पकौड़े बना करके खाइएगा। और चलिए दूसरा घान हम लोग निकाल लेते हैं। और दूसरा घान किस तरीके से निकलेगा वही मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले तो मैंने आपको डाल करके बताया था, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये डालना किस तरीके से है। तो चलिए डालते हैं इसमें। और ये झारे को मैं इस तरफ रख देती हूँ और आलू के अब मैं निकालूँगी क्योंकि बैंगन का मैंने एक घान निकाल लिया है। और इस तरीके से देखिए डुबा डुबा करके आप इनको निकाल लीजिएगा, पास में करके निकालिएगा क्योंकि बैंगन टपक, ये जो बेसन है वो टपक भी सकता है नीचे। और इससे अच्छा है कि कढ़ाई के पास में करके आसानी से सावधानी के साथ आप निकालिएगा। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए निकाल करके मैं इनको भी आपको बताती हूँ।
पकौड़े जो हैं हमारे फ्राई होने लगे हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इनको निकाल लूँगी और आप देख ही सकते हैं इतने अच्छे क्रिस्पी और फूले हुए से बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और ये देखिए कितना अच्छे दिख रहे हैं बैगन और आलू के पकौड़े। ये आलू के हैं, बैगन के हमने निकाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है फिर भी मैं आपको तोड़ करके बताती हूँ कि देखिए किस तरीके से बना हुआ है। देखिए हाथ मेरा जल रहा है और देखिए बहुत ही टेस्टी और अंदर से आलू जो है देखिए पक गया है, आधा टूट गया है। तो कुछ इस तरीके से बनते हैं हमारे आलू और बैगन के पकौड़े। आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें साथ में ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये देखिए अभी ठंडा हो गया, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा और पका हुआ सा बना है, ये देखिए मेरे हाथ जल रहे हैं। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े आपके लिए तैयार हैं, तो चलिए आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने क्या बना लिया पकौड़े और पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है। और आ जाइए पकौड़े खाने के लिए, आलू बैगन और प्याज के पकौड़े हैं तो आ जाइए पकौड़े खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी बने हैं। देखिए अभी मैंने खाए तो नहीं है बट देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं और देखिए रिंकू हंसा रही है मेरे को तो बोल रही है पकौड़े बेचने वाली आ गई देखिए तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के लिए बस इतना ही। और हम लोग भी पकोड़े खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।